आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ, खासकर गर्ल्स पीरियड्स से जुड़ी हुई। जी हाँ, पीरियड्स में हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसका भुगतान हमें सारी ज़िंदगी करना पड़ता है, और कभी ये गलतियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि हम माँ भी नहीं बन पाते। ऐसी बहुत सारी जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं, कुछ जानकारी भी नहीं होती, कुछ लापरवाही होती है। तो आज उन जो गलतियाँ होती है उनके बारे में बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आप बॉयज़ हैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को शेयर करना अपनी जो भी फ्रेंड हैं, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी वाइफ हो सकता है, उनसे भी कुछ गलती हो रही हो तो उनको भी ये जानकारी दें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि पीरियड्स के फर्स्ट डे हमें बाल धुलना चाहिए या नहीं, बाल हमें कितने दिनों में धुलना चाहिए, और बाल धुलने से क्या होता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, बाल धुलने के दो तरीके हैं। पहली बात, पीरियड्स के जो फर्स्ट डे है आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड होता है, जब पीरियड खुल के आने के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हीट होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। अगर हम नहा लेते हैं वो भी सर्फ धुलकर, तो फिर हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, तो जो पीरियड होता है वो पूरे सही से नहीं आ पाता, या फिर पीरियड का जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है, या फिर हार्मोन्स चेंज भी हो जाते हैं जिसकी वजह से पीरियड में इनरेगुलर पीरियड शुरू हो जाते हैं, बहुत दिन बाद पीरियड आने लगते हैं, 3-3 महीने का गैप हो जाता है, या पीरियड बहुत जल्दी आने लगते हैं, बहुत लंबे टाइम पे आने लगते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो पीरियड के फर्स्ट डे तो बिल्कुल बाल मत धुलिए, लेकिन कहीं कहीं पीरियड के फर्स्ट डे बाल धुला देते हैं। वो होता है ना कि फर्स्ट डे आप बाल धुल लो तो छूने में आसानी होती है, हमारे यहाँ बालों से माना जाता है कि पवित्र हो गया है इंसान जब बाल धुल जाते हैं, ऐसे ही मानता है, तो पीरियड के फर्स्ट डे ही धुलवा देते हैं। तो पीरियड के फर्स्ट डे आपको बाल नहीं धुलना है, कम से कम आपको चौथे या पांचवें दिन बाल धुलना चाहिए, हो सके तो पांचवें दिन बाल धुलें। दोस्तों, अगर आपको पीरियड के फर्स्ट डे आपको बाल धुलना पड़े तो आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल पीरियड के टाइम नहीं करना होता है। अगर हो सके तो आपको पीरियड्स की हर दिन नहाना चाहिए, सर धुल के नहीं, पर हमें हर दिन नहाना चाहिए। नहाने के लिए आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। गर्म पानी से नहाने का फायदा ये होता है कि अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है पीरियड का, तो पीरियड का दर्द कम हो जाता है, और जो हमारा हम गर्म पानी से नहाते हैं तो टेम्परेचर हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, तो जो पीरियड होता है वो आसानी से आ जाता है। तो पीरियड में आप नहाइए ज़रूर, लेकिन गर्म पानी से नहाइए, और पीरियड के फर्स्ट डे आप सर मत धुलिए, पीरियड के चौथे या पांचवें दिन आपको सर धुलना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यही एक गलती होती है जो हमें पता नहीं होती है, और जाने अनजाने इस गलती की वजह से हमें आगे बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। तो पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये होती है हमसे कि हम पीरियड के टाइम बहुत ही आलसी होती हैं, और कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में अभी भी कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। कपड़े का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो उसमें नमी होती है, और उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत जल्दी पनपते हैं, और खासकर जब भी हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो हम उस कपड़े को इस्तेमाल करने से पहले ना धुलते हैं, ना धूप में दिखाते हैं, बस हम पुराना कपड़ा जो रखा रहता है बहुत दिन तक दबा हुआ कहीं पर, तो और ऐसे ही रखा रहता है, तो उसको यूज करने लगते हैं। आप सोचो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, जो फिर आपको बैक्टीरिया हो जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, दाने, रैशेस, खुजली और पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो और पता नहीं कौन कौन सी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो आपको कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर, तो और सैनिटी पैड को भी हमेशा याद रखिए, अगर सैनिटी पैड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आप स्मार्ट हैं, क्योंकि सैनिटी पैड के साथ ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और खासकर लड़कियों की बहुत गंदी आदत होती है कि सैनिटी पैड को वो कम से कम 8-8, 10-10 घंटे यूज करती हैं। सैनिटी पैड को 4 घंटे से ज़्यादा हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके वजह से आपको बैक्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया है वो पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, तो आपको सैनिटी पैड भी जल्दी जल्दी बदलना चाहिए, और कपड़े का इस्तेमाल करने से 100% बचना चाहिए, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरी गलती ये होती है कि हम पीरियड के टाइम, क्योंकि हमारी वजना गंदी हो जाती है, पीरियड में ब्लड आता है, तो हम लोग उसे धुलने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, साबुन वजना के लिए
तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एचपी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके वजह से आपको रैशेस, खुजली और इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, उसका एचपी बैलेंस बिगड़ जाएगा तो स्किन भी अजीब सी हो जाएगी, तो आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए इंटीमेट वॉश आता है, आप उसका इस्तेमाल करें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का यूज ना करें। गर्म का मतलब गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, यहाँ पर गर्म का जितना भी बता रही हूँ यानी गुनगुने पानी का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इंटीमेट वॉश नहीं है तो आपको मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फिटकरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेजिटल एरिया को अगर हम वॉश करते हैं फिटकरी से, तो उसका वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन पे वो वीडियो के एंड में दे दे रही हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो फिटकरी के पानी से अगर आप वॉश करते हो तो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है और हमेशा आगे से पीछे की ओर जाना है, पीछे से आगे की ओर नहीं जाना है, यानी आगे की तरफ से साफ करिए, पीछे की तरफ जाइए। अगर आप पीछे से साफ करते हैं, आगे की तरफ अपना हाथ करते हैं, तो क्या होता है कि जो गंदगी होती है वो हमारी वेजिला में फंस जाती है, वो अच्छे से साफ नहीं हो पाती। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है जब पेन होता है, ठीक है, पेन तो पीरियड में होता ही है, सबको ये प्रॉब्लम होती है, पेन होने पर पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पेन किलर का इस्तेमाल, थोड़ी सी नॉइज आ रही है, नीचे चेरी है, डॉगी है, वो भौंक रही है। तो पीरियड में पेन किलर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। पेन किलर हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देता है, जिससे इन रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको पेन किलर नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है आपके पेट में, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो नेचुरली पेन किलर है। जैसे आप हल्दी का सेवन कर सकते हो, गर्म पानी के साथ हल्दी का सेवन करिए, उससे पेन कम हो जाता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सेवन किया, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा था, केले का। जी हाँ, आपको पीरियड्स के टाइम केले खाना चाहिए। और आप लोगों को कुछ लोग राय देंगे केले नहीं खाना चाहिए, कुछ लोगों को इफेक्टिव होता है, कुछ लोगों को नहीं इफेक्टिव होता है। मुझे इफेक्टिव होता है, जब भी पेन होता है तो मैं केले का सेवन करती हूँ। केले में मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे पेन को कम कर देता है। तो कम से कम आपको 3 से 4 केले ज़रूर खाना चाहिए। और केले में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी हो जाती है आयरन वगैरह की, तो वो हमको मिलती है। इसके अलावा भी अब पीरियड्स में जो पांचवी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमारे पेट में दर्द होता है तो लड़कियां बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और पीरियड में कितना ज़्यादा गुस्सा भी आता है हमें, तो सारा गुस्सा हम अपनी मम्मी पर निकाल देते हैं, मेरा दर्द हो रहा है तुम्हें खाने खाने की पड़ी हुई है। ये सबसे गलत आदत होती है। पीरियड में आपको खाना बहुत ज़रूरी होता है, और खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाते रहो, कभी भी कुछ भी खा लो, खाने में भी आपको ध्यान रखना है। पीरियड्स में थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना है, क्योंकि पीरियड्स में गैस बहुत ज़्यादा पेट में बनती है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट वाली जुड़ी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आलू वगैरह नहीं खाना चाहिए, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय कॉफ़ी, लोगों की आदत होती है, पेट सोचती है गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो चाय कॉफ़ी भी लेते। आपको बताते चाय कॉफ़ी कैफीन होती है जो हमारे दर्द को बढ़ा सकती है, तो पीरियड में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। गर्म चीज़ों का सेवन करिए लेकिन चाय और कॉफ़ी का सेवन मत करिए, ठंडी चीज़ों से बचिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन मत करिए। और हाँ दोस्तों, आपको दूध भी नहीं पीना चाहिए, ना ही पनीर खाना चाहिए, क्योंकि इसको पचाने में हमारे पाचक तत्व को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है और गैस की दिक्कत हो सकती है। आपको यहाँ पे दही का सेवन करना चाहिए, दही क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो दही का सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और गर्म चीज़ों में आपको ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं, या फिर गुड़ और जीरे का पानी बनाकर उसे उबाल लीजिए, गुड़ और जीरे, मैंने इसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था पीरियड जल्दी लाने के तरीके में, तो आप उसका भी सेवन कर सकती हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। गर्म चीज़ों का सेवन करिए, केले खाइए, और आपको ग्रीन सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, उनका सेवन करना चाहिए, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे पालक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उन सबका सेवन कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने पीरियड को आसान बना सकते हो। और आपकी ये जो पीरियड की गलतियाँ हैं, खासकर बाल धुलने वाली, इससे आपका जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाता है और आपको बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत टेंशन हो जाती है जब 3-3 महीने पीरियड नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं एक लड़की हूँ, इस बात को समझती हूँ। तो आपको बाल बिल्कुल नहीं धुल रहे हैं फर्स्ट डे, इस बात का ख्याल रखना। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे, मेरे भी कुछ अनुभव थे कि मेरा भी पीरियड इनरेगुलर हुआ था, मैंने भी फर्स्ट डे बाल धुला, पहले मैं धुल लेती थी, धुल के हमारे यहाँ पहले दिन बाल नहीं धुला जाता, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, वहाँ पे फर्स्ट डे ही बाल धुलवा लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो पीरियड है वो काफ़ी
कैब में आने लगा। फिर डॉक्टर से भी पूछा और बहुत जगह पढ़ा तो, और दादी ने भी बताया कि फर्स्ट टाइम बाल नहीं धुलना चाहिए, दादी बहुत गुस्सा आती है। तो मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जितना हो सके अपने बॉडी को गर्म करिए, यानी गर्म रखिए। आप हो सके तो ठंडा पानी ना पीके गर्म पानी का सेवन करिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। यूजफुल हो तो लाइक एंड शेयर करना, और पीरियड को लेकर सवाल या फिर मैंने कुछ भी बताया इसमें आपको कुछ मिस हो गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो आई होप उम्मीद तो है कि आप लोग के लिए यूजफुल हो। यूजफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।